दरअसल पूर्वांचल में विधान परिषद की कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला या तो त्रिकोणीय बना है या फिर बाहुबलियों की एंट्री ने रंग जमा दिया है। ब्रजेश सिंह के साथ ही धनंजय सिंह की धमक भी सुनाई दे रही है, तो कहीं राजा भैया को लेकर रमाकांत यादव का नाम भी खूब चर्चा में है। सबकी कोशिश अपने अपने करीबियों की जीत तय करने की है, तो वहीं भाजपा की कोशिश विरोधी खेमे के असरदार नेताओं को अपने पाले में लाने की है। इसके लिए आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर तक बड़े दांव चले गए। पूर्वांचल की जमीन पर फिर बाहुबली लड़ाई। विधान परिषद की जंग का सबसे पावरफुल मुकाबला। पूर्वांचल में एक बार फिर सियासत और बाहुबल का कॉकटेल नजर आ रहा है। फिर चाहे जौनपुर हो या आजमगढ़, गाजीपुर हो या प्रतापगढ़, यहां तक के काशी में भी एमएलसी चुनाव दिलचस्प हो गया। भाजपा ने यहां जिस सुदामा पटेल को प्रत्याशी बनाया, उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ रही बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी से हार का डर सता रहा है। आरोप है कि जेल से ही बैठकर ब्रजेश सिंह चुनाव की बिसात बिछा रहा है और भाजपा के कुछ नेता भी उसकी मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ा बन गया है, इसलिए लोगों में डर भय उनका है और उनको यहीं सेंट्रल जेल में रहने के कारण लोग उनसे भय खा। बाहुबल की लड़ाई आजमगढ़ मऊ सीट पर भी है। यहां भाजपा ने सपा के दिग्गज नेता रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि उनके पिता रमाकांत भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अच्छे लोग साथ कई परिवार में एक सदस्य समाजवादी पार्टी से यार हो सकता है कि हमारे पिताजी भी आज बीजेपी में। आजमगढ़ मऊ सीट पर भाजपा में बगावत भी दिखाई दे रही है। विधान परिषद के मौजूदा सदस्य यशवंत सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दरअसल यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ही पर्चा भर दिया, जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना। यशवंत 2017 से पहले सपा में थे और इस्तीफा देकर 2018 में भाजपा के टिकट पर MLC बने थे। वर्चस्व की एक जंग प्रतापगढ़ में भी है। यहां से राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के बैनर पर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल 5वीं बार MLC का चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से भाजपा और सपा के प्रत्याशी तो हैं ही, साथ ही जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश नाथ ओझा भी यहां से खड़े हो गए। हर परिस्थितियों में हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं। पहला जो चुनाव हम लड़े थे वो 98 में चुनाव लड़े थे, दूसरा चुनाव जो है जेल में रह के लड़े थे और हम नहीं लड़े थे, प्रतापगढ़ के मतदाता प्रधान ऋषि चुनाव लड़े थे। तीसरा चुनाव भी मायावती से 36 का आंकड़ा था। सियासत की एक दिलचस्प जंग गाजीपुर में भी है, जहां विधानसभा चुनाव में सपा ने क्लीन स्वीप किया है और अब बारी है विधान परिषद के जंग की। सपा के प्रत्याशी मदन यादव के सामने दिक्कत ये है कि ग्राम प्रधान संघ ने भाजपा प्रत्याशी विशाल चंचल को समर्थन दे दिया है। हमारे सम्मानित मतदाताओं को हड़का करके उनका प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। को धन्यवाद दे रहा हूँ अखिल भारतीय प्रधान संघ को, उनके सारे पदाधिकारी को, मंडल अध्यक्ष। MLC का बाहुबली मुकाबला जौनपुर में भी दिखने वाला है। यहां भाजपा ने बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह प्रिंशु को प्रत्याशी बनाया है। कुछ दिन पहले ही प्रिंशु बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। माना जाता है कि पिछली बार धनंजय सिंह के चलते ही प्रिंशु बसपा से MLC चुने गए थे। प्रिंशु का मुकाबला सपा के मनोज यादव से माना जा रहा है। उनसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों और विचारों को रखकर मतदान का आग्रह कर रहा है। पिछले के जो MLC रहे वो एक भी काम कभी किसी विकास के माध्यम से कहीं किसी गांव में कभी भी नहीं किया। पूर्वांचल से पश्चिमी UP तक नेताओं के बाहुबल की भी परीक्षा है और राजनीतिक दलों के गठबंधन की भी। मेरठ गाजियाबाद सीट से सपा रालोद ने सुनील रोहता को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज से है। दोनों ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से राजनीति में हैं और अब अपनी पार्टी के लिए चुनावी जंग जीतने का वक्त आ गया है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।